हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रीव्यू में मुकाबला यहाँ पे ईस्टर्न के बनाम डर्बन डॉयंस एंड ये खेला जाएगा एट द सेम जॉर्ज पार्क ग्वेकबोरा के पास एंड यहाँ पे इस नाम का अगर आपको प्रोनाउंसिएशन पता है तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइएगा विन प्रोडिक्शन इस गेम के लिए डर्बन सुपर जॉय थोड़ी ज्यादा एंड आई थिंक इनके पास जो स्पिन ऑप्शन जैसे मैंने कहा था मिनी जुएस की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे टिल द टाइम माई फ्लो कम्स बैक एंड टिल वी अंडरस्टैंड ये टीम्स के क्या प्लान है एंडिक्शन हर टीम की तो ये हुई आज की इंट्रोडक्शन एंड रिमेम्बर टू ज्वाइन एट द रेट फैटेसी क्रिक टू ऑन ट्विटर टेलीग्राम जो भी फाइनल टीम्स है अपडेट है सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएंगी एंड रिमेबर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक ऑलवेज माय मास्टर एंड एक्सचेंज टू साइन अप इफ यू हैव ऑलरेडी वेदर रिपोर्ट चांसेस ऑफ रेन अगेन इंटरप्टिंग दिस मैच आई थिंक एक्सेप्ट फॉर पाल ऐसा कोई वेन्यू नहीं रहा अब तक जहां पे रेन प्रिडिक्शन ना रहा हो सो वील है पिचेज यहाँ पे हमने देखा है की पिचेस हैोग्रेसिस थोड़ी ज्यादा स्लो हो जाती है पिचेस इंडिया व साउथ अफ्रीका पे यहाँ जो टी ट्वेंटी हुआ था हमने देखा था की बैटिंग कंडीशन अच्छी थी बट स्टार्टिंग ऑफ बोथ इनिंग्स क्योंकि बारिश तब भी थी तो वी सॉ दैट इट वॉज डिफिकल्ट यहाँ पे वापस रेन राउंड सो डोट भी सरप्राइज की स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिले इन लास्ट ईयर यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने काफी अच्छा किया था एंड देर आर सम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्सर्स इन दिस गेम सो एक्सपेक्ट मोर ऑफ द सेम एक्सपेक्टेड प्लेइंग की बात की जाए सो ऑब्वियसलीस्टर्न की गेम तो मैं अभी के लिए वही सेम इलेवन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ

हमें पता है कि इनके जो नंबर्स है काफी अच्छे हैं स्पेशली वर्सेस दिस ऑपोजिशन आप देख रहे हो डर्बन सुपर जॉयेज टू मैचेस 107 रन्स एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 222 तो आपके पास तीन टॉप इंटरनेशनल क्वालिटी कीपर्स है बट ये जो चौथे हैं ये भी कह रहे हैं कि मेरे नंबर्स काफी अच्छे हैं एंडा भी मैचेस हंड्रेड एंड सिक्सटीन एंड स्ट्राइक रेट

एक मैच में जीरो रन वर्से डरबिन सुपर आई थिंक वो एक गोल्डन डक था एंड ये इस वेन्यू पे टू मैचेस में 43 रन सो नॉट द दीरोपिकल प्लेयर अभी के लिए साइड में जगह नहीं मिल पाएगी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास जॉर्डन जॉर्डिन वापस एक क्लास प्लेयर ओपनिंग भी कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं लास्ट ईयर काफी स्ट्रॉग थे ऑन द कट लेग साइड पे भी अच्छे थे बैक फुट पे इनका प्ले काफी अच्छा रहा वर्सेस डरबिन सुपर जॉइंट टू मैचेस 59 नाइन रन ठीक ठाक रिकॉर्ड

एज मे बी उन्हें स्टार्ट में वो हेल्प मिल जाए सो वाइल डेटा नॉट टॉक जो मैंने ठीक मैं ठाक कर पाएम डॉसिन सेकेंड बोलिंग करेंगे तो डेफिनेटली मैंने साइड में पिक करके जाऊंगा बाय स्वेपनी बहुत सारी बात हुई है इनके बारे में एक लेफ्ट हैंड बिग हिटर है डाउन दी ऑर्डर एंड राइट आर्म फास्ट पेसर मूव कर सकते हैं बॉल को इन द पावर प्ले एंड इफ दंडीशन आर लाइक दैट इंडिया साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी इनका काम और भी बढ़ सकता है, पे, Durban, Giants, है, so yet, Worrell, type, है ये वापस पावर प्ले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो आप देख सकते हो एक पैटर्न यहाँ पे बहुत सारे बोलर हैं इनके पास जो पावर प्ले में इंपॉर्टेंट रहेंगे and i don't know Vapas totally depends on how much help he gets from the track that will dictate whether he will be useful or not simon Hama may expect around round in this game as other pitch so slow sharp line and length that will be the key on such a track so simon Hamer, definitely a useful off spinner to try guacamene Vapas is young and raw player and by young i mean young in terms of experience at this level So again, एक जीएल ही प्लेयर बनेंगे आप बेस टीम में नहीं ट्राई कर सकते एज बहुत सारे बोलिंग ऑप्शन बहुत ही अच्छा साल रहा है तो आग बंद करके आप ले लीजिएगा एक शार्प यॉकर है इनके पास आउटसाइड ऑफ ये डाल के बैटर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं एंड विकेट्स भी काफी लिएट विकोबा नाइन मैचेस टेन विकेट रियली गुड रिकॉर्ड है नाउ नावी towards the Durban Super Giants and the players that they have to offer. Quinton de Kock, obviously, bahut hi acha record in recent form since the BBL has started has been little bit shaky versus Sunrisers. Ek match mein sirf ek run and at this venue average kafi kharaab at 25, which means ki yahan pe thoda se suspect ho sakte hain ye. but याद रखिए कि जो venues पे spinners इन play आते हैं वहां पे stumpings and catches और भी play में आ जाते हैं वो हिसाब से

आगे की तरफ वापस इस टीम के सामने एक मैच में सिर्फ दो रन एंड एंड दिस वेन्यू फोर्टीन मैचेस एवरेज ऑफ ओनली ट्वेंटी जिनका स्ट्राइक रेट हमेशा अब यहाँ पे इनका स्ट्राइक रेट काफी खराब है तो लास्ट मैच में मैंने एक रफ डिसीशन लिया था टू ड्रॉप हिम एंड वहां पर मैं स्टार्ट के अगेंस्ट गया अब वापस आप अगर इन्हें पिक करेंगे तो आप स्टार्ट के अगेंस्ट जाने सो वेरी ट्रिकी बिकॉज इनका फॉर्म बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड पिच वाइल्ड उतना ना करे हमें ये बात बिल्कुल पता है कि ऑफ लेट उनका गेम वर्सेज बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है एंड ये जो डेटा है ये ऑब्वियसली बहुत सालों का डेटा है सो लिटल ट्रिकी चॉइस बट प्रोबली आप बेस टीम में फिर भी ड्रॉप नहीं कर पाओगे फिर चलते यहाँ पे सॉरी गॉट फॉरवर्डेड वी कम टूवर्ड बी एंड मोल्डर ये ऑब्वियसली वापस फ्लोटर है एन दिस ऑर्डर लास्ट गेम में सडनली ऊपर आ गए थे एंड ऐसा ही चलता है विद डर्बन सुपर जायंट्स किसको कभी भी इन द सो ठीक ठाक रिकॉर्ड है बैट एंड बॉल सो आई थिंक बेस टीम में फिट कर पाओगे निकोलस पुरान ऑब्वियसली फर्स्ट सीजन यहां बहुत ही अच्छे प्लेयर ऑफ स्पिन है हेंस नेक्स्ट टू पिच आप एक टिक देख सकते हो यहां पे एंड क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स यहां पे इनका काम चलेगा तो निकोलस निकोलिसाइन हिटिंग लेफ्ट स्पिनर इस बात का ध्यान रखिए बट इफ साइमन हामा कम्स इन अगेन साइमन हामा में एक डिसमिस विजुअलाइज कर पा रहा हूँ देखते हैं ये हो, होता है कि नहीं बड़ा भी के लिए क्योंकि जिस टाइप के प्लेयर्स हैं आपको चारों कीपर्स मोस्ट प्रॉब्लम लेकर ही जाना पड़ेगा कीमो पॉल एक ठीक ठाक चॉइस है टू मैच ट्वेल्व रन एंड नो विकेट वर्सेज टीम एंड वन मैच सेवन रन एंड जीरो विकेट एट ग्वेकोबा सो एक कीडी बॉल डालते हैं कभी कभार टॉप में आके थोड़ी हिटिंग भी कर लेते हैं बट अगेन नो सर्टेनिटी कितने ओवर्स मिलेंगे कितनी बैटिंग मिलेगी लास्ट मैच में चार ओवर्स डाले थे क्योंकि स्टार्ट अच्छा किया था हमने ये भी देखा है लास्ट ईयर की अगर ये स्टार्ट खराब करते हैं तो एक दो ओवर के बाद इन्हें कोई भी ओवर्स नहीं मिलते सो वेरी ट्रिकी चॉइस ड्वेन प्रिटोरियस इनके जो बेस्ट बॉलर थे लास्ट गेम में यही थे बट फिर भी दो ओवर्स इन्हें ही मिले

हमें पता है इस टाइप की बोलिंग यहाँ पे बिल्कुल सूट करनी चाहिए स्पेशली इफ मैच एंड एट दिस वेन्यू तो जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि थोड़े डिफेंसिव स्टाइल के बोलर है एनहेंड इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि इतने ज्यादा विकेट इन्हें मिले नहीं है प्रनैल सुब्रायन वापस सिमिलर स्टाइल ऑफ बोलर टू केशव महाराज सिर्फ फर्क ये कि थोड़ा ज्यादा फुल डालते हैं नाइन मैच इलेवन विकेट एट दिस वेन्यू

लास्ट गेम में आई थिंक इन्होंने काफी रन खाए फिर भी कोटा कंप्लीट किया मे बी मे बी इस वेन्यू पे ना हो ऐसा क्योंकि स्पिन यहाँ पे ज्यादा असिस्ट करती है एंड आई थिंक स्पिनर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए केशव माइट के बोलिंग कोटा बट स्टिल एन एक्स फैक्टर ग्रैंड लीग में बिल्कुल आप इन्हें ट्राई कर सकते हो जूनियर डाला टोनी काइल मेयर्स जेजे मार्ट ऑल एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड टू प्ले याद रखिए जेजे मार्ट का ठीक ठाक रिकॉर्ड है यहाँ पे

ऑफ कोर्स एडम रॉसिंगटन के साथ कीपिंग वैल्यू भी आपको मिलनी चाहिए सो so, एक ठीक ठाक चॉइस है लास्ट प्लेयर यहाँ पे आई थिंक ऑर्टनियल बाटमैन होंगे मेरे लिए स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करते हैं बहुत अच्छी चॉइस पे बन के आएंगे डॉसन इफ इज सो बेस्ड ऑन द टॉस आई दाटमैन और लियम डॉसन विल बी द लास्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो एडन माक्रम विल बी द स्ट्रेट फॉरवर्ड कैप्टन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ऑन दिस पॉइंट एंड वाइस कैप्टन वन बिटवीन ड्वेन पिटोरियस एंड मार्को तो ये हुई मेरी बेस टीम और काफी जल्दी पिक हो गई एज हमने ऑलरेडी हर प्लेयर को इन डिटेल डिस्कस कर लिया अब चलते हैं हमारे आज के ग्रैंड लीग ऑप्शन तो ग्रैंड लीग ऑप्शन की बात की जाए बैटमैन बोलिंग फर्स्ट डेटा एंड सिनेरियो बेस्ड आप दोनों चीजें देख चुके हो एडम रॉसिंगटन ऑब्वियसली टोटली डेटा बेस्ड एंड लियम डॉसन अगेन डेटा बेस्ड क्योंकि इस वेन्यू पे इस टाइप के बोलिंग टाइप का रिकॉर्ड काफी अच्छा है